इधर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मार्च 2025 तक पूरे देश में बीएसएनएल नेटवर्क के लगभग 1 लाख 4G टावर लगाए जाएंगे। इनमें से 80,000 टावर अक्टूबर 2024 में और मार्च 2025 तक 21,000 टावर लगा देंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने 4G नेटवर्क क्रियान्वयन किया तब बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क क्यों नहीं क्रियान्वयन किया। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है देश के अंदर अगर हमें 4G का नेटवर्क क्रियान्वयन करना है तो हम चाइना का इक्विपमेंट और अन्य विदेशी कंपनी इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत अपना खुद का 4G का टेक बनाएगा, उसे उपभोक्ताओं को सेवा के रूप में देंगे। इसके लिए हमें 1.5 साल लगे हैं और इन 1.5 साल में पूरे विश्व में कीर्तिमान रचा है। आज भारत पूरे विश्व का 5वां देश बन चुका है जिसके पास अपनी 4G की टेक्नोलॉजी है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि देश के अंदर अगर 4G का नेटवर्क हमें क्रियान्वयन करना है सरकारी दूरसंचार कंपनी के द्वारा तो हम चाइना का इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी विदेश की कंपनी का इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के आधार पर भारत अपना स्वतः 4G का स्टैक बनाएगा, चाहे वो आपका कोर सिस्टम हो, चाहे वो आपके टावर्स हो जो आप देखते हैं,